जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के साथ साथ अब सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में भी नौजवान एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ इस वक्त एहतजाज जारी है, जहां रहबरी ज़रात, रहबरी जंगलात और रहबरी खेल के उन आर्जी तौर पर काम कर रहे हैं मुलाजमीन के लिए सरकार ने पहले ही एक सर्कुलर इशू किया। जम्मू कश्मीर की सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू की तस्वीरें कि शदीद तरीन गर्मी में भी ये एहतजाज कर रहे हैं, वही जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में भी कल इन नौजवानों ने एहतजाज किए और दफा 370 की मनसूखी के बाद लगातार जम्मू कश्मीर की सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में इस तरह के एहतजाजी मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। शदीद धूप में भी एहतजाज जारी है। इस वक्त यहाँ पे खवातीन भी आप देख सकते हैं, कुछ खवातीन के हमरे छोटे मासूम बच्चे भी हैं और यहाँ पे इनमें नौजवान भी है। इनका यही सरकार से मुतालबा है कि एडवर्टीजमेंट के लिए जिस तरह से सरकार ने हुक्मनामा जारी किया उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने इसकी मजम्मत की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ इंडिया नेशनल कांग्रेस ने भी इसकी मजम्मत की। वही भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के हेडक्वार्टर के बिल्कुल अहाते में इस वक्त यहाँ पे जम्मू में ये एहतजाज चल रहा है, जहाँ इन एहतजाजों से मिलने के लिए मरकज में बरसर इकदार भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने भी मुलाकात की। इन नौजवानों से भी यहाँ पे बात करेंगे। सर, हमारी जो ये पॉलिसी है रेबरी खेल ये लगी थी, इसमें आप इन्होंने बोल रहे हैं रिहैबिलिटेशन होगी और इसमें दोबारा आपने एग्जाम में बैठना है, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसको रखेंगे, बाकी को बाहर निकाल देंगे। ऐसा ऑर्डर जो ज़रात के लिए निकल चुका है, रेबरी ज़रात के लिए, और अब हम अपने रेगुलेशन की पॉलिसी के लिए सर अप्लाई कर रहे हैं। जी सर, मैं जी, हमारी जो पॉलिसी जब बनी थी उसमें साफ साफ लिखा था कि जब तक ये रहबरे खेल 3000 टीचर्स रेगुलराइज नहीं होते हैं तब तक कोई पोस्ट नहीं निकाली जाएगी। हमें रेगुलराइज नहीं किया गया, उससे पहले इन्होंने अब ये दूसरा एक नया शुरू कर दिया कि हम पोस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। चलो पोस्टिंग क्रिएट करो, उसमें हमें कोई लेन देन नहीं, लेकिन पहले हमारा तो सोचो। हमें 4 साल से डिपार्टमेंट में एड़ियाँ घिसते हो गया, 100 रुपये दिन की दिहाड़ी के हिसाब से, हमें रेगुलराइज कब करोगे? पोस्टें तो आप निकाल रहे हो, हम बोल रहे हैं क्या मत निकालो, निकालो ना, लेकिन हमें रेगुलराइज तो करो पहले, जो पहले के लगे हुए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान भी आए थे, क्या कुछ मुतालबा आपने भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के साथ? हमारी मांगे, ये कमेटी इन मांगों पर बनी थी, ये कमेटी इन मांगों के लिए तैयार की गई थी कि हम अपना हक मांग रहे थे। हम इनसे मांग कर रहे थे कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हमारा किया जाए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, या 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद हमें रेगुलराइज किया जाए। ये कमेटी इसलिए बनी थी, ये कमेटी इसलिए नहीं बनी थी कि आप नई पोस्टें क्रिएट करो, आप नए से फिर से शुरू पेपर करो, आप SSRB के थ्रू पेपर निकालो। अगर ये सब करना था तो पहले जब हमारी अपॉइंटमेंट कराई गई, जब ये पॉलिसी बनाई गई, ये उसी हिसाब से बनानी थी कि उसी टाइम ये 3000 पोस्टें आप SSRB को देते। जो बच्चे आज यहाँ रेबरे खेल 100 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, वो ये 4 साल में, तब 4 साल इसके हो गए होते अभी तक रेगुलर टीचर, तब क्यों नहीं हुआ ऐसा? अब क्या जरूरत पड़ी इसकी? कुछ खवातीन मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? सुषमा देवी। कहाँ से आए आप? किश्तवाड़ से। क्यों किश्तवाड़ से आए, क्या मुतालबा? सर, ये आए हम प्रोटेस्ट करने कि जो हमारी पहले नौकरी थी उन्होंने बोला था रेगुलेशन आपको रेगुलर कर देंगे 7 साल में, तो अब ये 3.5 साल हो गए सर, तो बोल रहे कि आपको निकाल दिया जाएगा। किस साल में आपने शुरू किया था? सर 2019 में। जी सर, तो आप बोल रहे हैं कि अब आपको निकाल दिया जाएगा, 3.5 साल हो गए आप बोलते निकाल दिया जाएगा, रेगुलर कुछ नहीं तो सीधा निकाल दिया जाएगा। सर, हमें अपना हक चाहिए, हम बच्चे को लेके स्कूल जाते हैं इधर उधर, कल भी हम आए इतनी मुश्किल से, बच्चे को कोल्ड हो गया सब कुछ, हम इतने दिन से आए तो आप बोलते कि आप भाग जाओ, आपका कुछ भी नहीं है। सर, हमें अपना हक चाहिए, जब तक हम ये क्लियरिटी नहीं हो जाए तब तक हम इधर ही धरना दे के बैठेंगे, और हमें अपना हक चाहिए। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने सुना, इन्हें उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि इन्हें मुस्तकिल नौकरियां दी जाएंगी। वही इस तरह के कई महकमों में काम करने वाले आर्जी तौर की पर मुलाजमीन एहतजाज कर रहे, और कई बरसों से वो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ साथ मरकजी हुकूमत से भी
अपील करके आ रहे हैं कि उनको मुस्तकिल नौकरियां दी जाएगी। आप देखना ये ज़रूर होगा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया इसको लेकर अब हतमी फैसला क्या लेगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।